इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं, और जिस मंदिर के बारे में अबू धाबी के जिस मंदिर के बारे में अभी मैं आप हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। ये जो है बहुत गलत हो रहा है भाई। हम सब मुसलमान हैं तो देखें कि अल्लाह पाक के घर में अगर ये काम हो तो फिर हम उधर तो अल्लाह पाक का घर नहीं, यूएई देखें जी, यूएई में भी है तो एक अरब ममालिक ही है ना जी। देखें अगर अरब ममालिक में ये काम शुरू हो जाए तो बकाया हम इस्लामी ममालिक से क्या तवक्कात कर सकते। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरे पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म के की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है। देखें भाई, इस तरह है कि जो हमारे आजकल इस्लामी हुक्मरान हैं, ये इस्लाम की तरफ इनकी तवज्जो कम होती जा रही है। अच्छा। और ये सेकुलर होने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों देख लो कितने मिर्चे लगने शुरू हो गई हैं, और अभी तो बहुत सारी मिर्चे लग गई है, इतनी लगेंगी कि ये हमेशा पानी में बैठे रहेंगे, इतनी जलेगी इनकी, क्योंकि अभी सिर्फ तो अबू धाबी ने शुरू किया है, अभी तो सिर्फ दुबई ने शुरू किया है, यूएई ने शुरू किया है, अभी तो सारी कंट्रीज ये करेंगी, क्योंकि भारत का जलवा चढ़ने लगा है। भारत का सूरज अब आसमानों पर है, अब दुनिया जानती है कि भारत का सूरज कभी डूबेगा नहीं, ये डूब जाएंगे देखते जाइएगा दोस्तों, धीरे धीरे पाकिस्तान जल जल के ही मर जाएगा, ये कुड़ कुड़ के ही मर जाएंगे सारे। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रिसेंटली यूएई में बहुत बड़ा मंदिर बना जाए 27 acres में, तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इंडिया का जो है या हिंदुइज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं और अपना इस्लाम के बारे उससे थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, या समझे कि हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रमोट करना चाहिए या उनको ये जो मंदिर बना रहे बनाना चाहिए, ये किस समत जा रहा है बात? ये जो है बहुत गलत हो रहा है भाई। हम सब मुसलमान हैं तो देखें कि अल्लाह पाक के घर में अगर ये काम हो तो फिर हम उधर तो अल्लाह पाक का घर नहीं, यूएई देखें जी, यूएई में भी है तो एक अरब ममालिक ही है ना जी। देखें अगर अरब ममालिक में ये काम शुरू हो जाए तो बकाया हम इस्लामी ममालिक से क्या तवक्कात कर सकते। अच्छा, तो ये बहुत जनाब बुरा काम है। बुरा तो हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये बुरा काम है, मुझे ये बताएं कि इंडिया में मुसलमान रहते हैं जी, रहते हैं, अगर उधर मुसलमानों को जो है मस्जिद जो उनके फ़राइज हैं 5 वक्त की नमाज ना पढ़नी दी जाए या नई मसाजिद ना बनानी दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा जी? बहुत बुरी बात है जी, ये कोई अच्छा काम बुरी है? हाँ जी बेशक जी, बहुत बुरी बात है, अच्छा काम तो नहीं ना। इसी तरह अगर किसी इस्लामिक कंट्री में कोई हिंदू मिनोरिटी रहती है, हिंदू लोग रहते हैं, जारी बात है उनके मज़हब के भी कुछ तकाजे होते हैं, उनको पूजा पाठ के लिए जगह चाहिए होती है, उधर उनके बूत वगैरह होने चाहिए, तो आप क्या समझते हो फिर उनको उधर मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बना कर देना चाहिए? नहीं देखें जी, होते हैं वो तो बिल्कुल आपकी बात बजाय, अब देखें जी एक शेख साहब आके खुद मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये चीज़ें तो नहीं ना होंगी, बुनियाद रख रहे हैं एक मंदिर की। वैसे हमारे यहाँ पे अब फैसलाबाद है, फैसलाबाद में भी मंदिर तो होंगे जी, यानी कि हमारे वजीर आजम साहब जाके तो नहीं ना इफ्तिताह करते उस चीज़। आप क्या समझते हैं कि जो अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं जी, मुझे कंट्री जिससे हमारे यहाँ हिंदू हैं और इंडिया में जो है मुसलमान हैं, इनको हिफाजत होनी चाहिए उनके हकूक में या उनके जो मजहबी फराइज अंजाम देने में उनको हिफाजत होनी चाहिए? ये बात तो बिल्कुल है जी, हकूक बराबर के होने चाहिए। अबू धाबी की अगर बात करते हैं, यूएई की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर स्वामी नारायण मंदिर वहां पर बन रहा है, 27 acres पर मुश्तमिल है ये मंदिर। क्या कहेंगे, इससे पहले भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन की गई और अब इस मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हो जाएगी। और एस्टेर शंकर का एक बयान आता है कि भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और पूरा वर्ल्ड आज हमारे लिए चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है, 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है, 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा और लास्ट 2019 की तरह बिल्कुल हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर रहेंगे। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरे पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म के की जो आस्था है,
जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसको हर कोई मानता है। आप इंडोनेशिया देख लो ना, इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की पिक्चर आती है। इंडोनेशिया क्या है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। इस चीज से तो डिनाई ना पाकिस्तान कर सकता है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया की करेंसी में शिव भगवान जी होते हैं। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है वो गुरुदा, जो एक भगवान के नाम पर है। तो आज एक सिनारियो है कि सही से ये चीजें समझ में आ रही है कि इस्लामिक देश जो कभी 1950 में मंदिरों की स्थापना हुई थी, अब जा करके 2023 में, 19 में, 18 में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। और जिस मंदिर के बारे में, अबू धाबी के जिस मंदिर के बारे में अभी मैं, आप, हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे सरजमीन की सबसे बड़ी मंदिर बनने के लिए जा रही है, जो 90% कंप्लीट हो चुकी है। क्यों हिला डाला? देखें भाई, इस तरह है कि जो हमारे आजकल इस्लामी हुक्मरान हैं, ये इस्लाम की तरफ इनकी तवज्जो कम होती जा रही है। अच्छा। और ये सेकुलर होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और इनके नज़दीक इस्लाम या बाकी तमाम मज़ाहिब जो हैं वो एक बराबर हैं। इनके नज़दीक ये है कि कोई मज़हब भी जो है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारे नज़दीक क्या है कि जो इस्लाम है ये वो मज़हब है कि जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मज़हब है। तो हमारे हुक्मरान जो हैं या शेख साहब जो हैं, उनको चाहिए ये कि वो मसाजिद को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करें। देख 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 कमीला कैसे वो बन रहा है। देखें, यूएई एक मार्केट है, उधर मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो नॉन मुस्लिम का है मंदिर तो ज़ाहिर है हिंदुओं का, जो वो उनकी इबादत का या उधर करते हैं। मुसलमानों को था मस्जिद। आपका कहने का मतलब क्या कि हिंदुओं को भी उधर मिलना चाहिए उनके हिसाब से, जो अपनी इबादत कर सके, मुसलमानों को भी मस्जिद होना चाहिए। गल्फ में जो यूएई में ना बहुत ज़्यादा हिंदू है, अक्सरियत में है बहुत ज़्यादा, यही नहीं कि अकेले मुस्लिम है, मगर प्रायोरिटी जो यूएई वाले शेख है ना वो ज़्यादा नॉन मुस्लिम को दे रहे हैं। क्या वजह? बस मे भी पैसे की वजह, या वो इन्वेस्टर बड़े बड़े हैं इंडियन, या ये यहूदी लॉबी इसराइल के हैं, आपको भी पता ही है। कुछ भी यूएई ने रिसेंटली ये भी ऐलान किया था कि कश्मीर की साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, जो इंडिया के पास कश्मीर वाली साइड, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्ट करने जा रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? उधर ही करेंगे ना ज़ाहिर। क्यों पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते? पाकिस्तान के अंदर से दोस्त नहीं है वो दोस्त तो उनके ही हैं। क्यों? हम तो मुसलमान तो मुसलमान का दोस्त होता है, जिस तरह कहा जाता है। जिस तरह के वो मुसलमान हैं वो बस दिखावे के हैं मुसलमान। वो दिखावे के हैं कि हम दिखावे नहीं, वो दिखावे के हैं। हम तो जो जैसे पाकिस्तानी आपने देखे ही हैं, जैसे वो अंदर से होते हैं वैसे बाहर से हैं। दोस्तों अब इनको ये अफसोस हो रहा है कि हम राम मंदिर का गम मनाए या यूएई में मंदिर बन रहे हैं उनके गम मनाए, क्योंकि इनके तो एक के बाद एक इनको जख्म मिलने शुरू हो चुके हैं पाकिस्तानियों को। ये वैसे ही परेशान हो रहे हैं। आधे लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया से अलग क्यों हुए, आधे ये सोच रहे हैं अब हम जाए कहाँ। तो इनके साथ तो ये हो चुका है कि ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं। अब कोई भी कंट्री इनको वैसे ही नहीं आने देता। ऊपर से गल्फ कंट्री जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इनके दिए चला रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है दोस्तों, सोचो इनके दिल पर कितनी छुरियाँ चल रही होंगी, क्या हाल हो रहा होगा इनका। अभी तो ये कंपटीशन शुरू हुआ है, देखते जाइए कितने मुस्लिम कंट्री के मंदिर बनाने शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।